चैप्टर सेवन कैन यू सी द पैटर्न देर इज़ देर इज़ यू कैन सी टू गर्ल्स आर देयर वन इज़ ई ईशा एंड वन इज़ हर हर फ्रेंड ओके सो हर फ्रेंड इज आस्किंग टू हर टू ईशा ईशा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल मतलब तुम्हारा स्कर्ट बहुत सुंदर है ईशा ईशा कहती है माई मदर मेड दिस पैटर्न एंड द ईशाज फ्रेंड इज सेव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न होना कुर्ता तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने यही सेम ब्लॉक्स देखे हैं लेकिन अलग तरीके के कुर्ते में पैटर्न बने हुए देखे हैं मतलब ये पैटर्न नहीं है पैटर्न दूसरे हैं और सेम ही ब्लॉक हैं तो ईशा कहती है हाउ वाज इट डिफरेंट किस तरीके से ये अलग हुए अगर इन्हीं ब्लॉक को यूज़ किया है तो अलग कैसे हुए सो so, किस तरीके से हो सकते हैं अलग अगर ये स्कर्ट का पैटर्न आप देख रहे हैं अगर इन्हीं ब्लॉक्स को यूज़ कर करके क्या अलग डिज़ाइन बनाई जा सकती है चलिए देखते हैं अलग बना सकते हैं कि नहीं

अप डाउन अप डाउन करते हुए इसको रिपीट कर दिया है कंटिन्यू तो आपका एक डिजाइन बन गया है राइट बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता इट इज वंस अप देन टेक्स अ वन अपॉन फोर टर्न एवरी टाइम द रूल इज टू रिपीट रिपीट इट विद द वन अपॉन फोर क्लॉक वाइज तो इसके ब्रदर के कुर्ते में ये कह रही है कि लेकिन मेरे ब्रदर के कुर्ते में ये जो डिज़ाइन है ये एक बार तो वन टाइम तो अप आई है लेकिन इसके बाद वन अपॉइंट फोर टर्न ले लिया क्लॉक वाइज वन अपॉइंट फोर टर्न ले लिया है हर बार है ना तो द रूल इज टू रिपीट इट विद वन अपॉइंट फोर क्लॉक वाइज टर्न तो इसके बाद ये क्लॉक वाइज वन अपॉइंट फोर टर्न करते हुए इसको रिपीट कर लिया है ओके okay? इस डिज़ाइन को इन यू कैन सी द डिफरेंट डिज़ाइन इन हीयर इन बिलो दिस पिक्चर ओके तो ये उसके स्कर्ट का डिज़ाइन ऐसा है मगर उसके ब्रदर की डिजाइन इस तरीके से बनी है तो क्लॉक वाइज उन्होंने वन अपॉन फोर उसको डाउन सैड डाउन कर दिया है okay? ओके इसको रिपीट करते करते ऐसी डिजाइन बन गई है नाउ यू यूज दिस टू रूल्स टू मेक पैटर्न विद द दिस मोटी फ्लावर दिस फ्लावर मोटीज ब्लॉक ओके तो यहाँ पर ये दे रहे हैं इसको कि अब आपको इसके थ्रू एक पैटर्न तैयार करना है दिस फ्लावर मोटिव के थ्रू ओके दिस इज द ब्लॉक ऑल्सो मेक योर ओन रूल इसके अलावा भी आपको कोई सा अपना खुद से एक रूल तैयार करना है और उसके थ्रू भी डिजाइन बना के देखिए राइट टर्न्स एंड पैटर्न लुक एट दिस ब्लॉक We make मेक three different rules to turn it clockwise and see the pattern. तो so, अब इस flower motif को ध्यान से देखिए हमने क्या किया है इसमें से three different rule बनाए हैं इसको turn करके clockwise और anti-clockwise जैसे भी and see the pattern. अब आप इस pattern को देखिए इन्होंने इसको clockwise so, rule one, it with a turn टर्न करके और अपसाइड करके इससे पैटर्न बनाए हैं सो रूल वन रिपीट विद वन फोर्थ टर्न तो सबसे पहले उनको अपसाइड रखा इसके बाद इसको रिपीट किया है वन फोर्थ टर्न में ओके जैसे क्लॉक नहीं होती है वन के थ्री पे आया काटा इसके बाद पे आया इसके बाद नाइन पे इसके बाद ट्वेल्व पे उस हिसाब से इनको क्लॉक वाइज को अरेंज कर दिया है और वो रिपीट करते गए हैं इस पैटर्न को अंडरस्टूड तो फर्स्ट में आप ये देख सकते हैं आफ्टर दैट बिल्कुल मतलब फर्स्ट वाले भी इन्होंने क्लॉक वाइज ही पूरा शेप बना दिया है पूरा पैटर्न बना दिया है इट मीन कि सबसे पहले शेप में आप देखिए कि ट्वेल्व ओ हो रहे हैं इसके बाद थ्री ओ हो रहे हैं इसके थर्ड पैटर्न में सिक्स ओ हो रहे हैं इसके बाद नाइन ओ हो रहे हैं और इसके बाद ट्वेल्व क्लॉक हो रहे हैं इसके बाद फिर से इन्होंने इसको कंटिन्यू इसी फॉर्म में रिपीट कर दिया है तो इनका एक अच्छा खासा पैटर्न तैयार हो गया है सेकेंड रूल में देखते हैं रिपीट इट विद अ हाफ टर्न अब उन्होंने वहाँ पे तो क्लाक वाइज वन फोर्थ किया था है ना वन फोर्थ उसको टर्न करके बना लिया था तो सेकेंड रूल में इन्होंने किया है हाफ टर्न किया है है ना तो हाफ टर्न कैसे अप साउट देन डाउन साइड सबसे पहले अप साइड ले लिया फिर इसके बाद सेकेंड वाले में इसको डाउन कर दिया फिर अप हुआ फिर डाउन इसको इन्होंने कंटिन्यू रिपीट कर दिया है सिंपल साइज को बना लिया है अंडरस्टूड रूल विद थ्री अ विद्री फोर्थ टर्न तो अब इसमें इस वाले रूल में इन्होंने इसको थ्री फोर टर्न करके बनाया है सबसे पहले तो इन्होंने अपसाइड उस मोटिव को ले लिया इसके बाद इन्होंने वन अपॉइन्ट थ्री टर्न कर लिया अब इसके थ्रू फिर से इन्होंने वन अपॉइन्ट थ्री इसको काउंट किया तो ये डाउन साइड हो गया डाउन साइड से फिर से इन्होंने इसको काउंट किया वन अपॉइंट थ्री इसको टर्न कर दिया तो टर्न कर करके फिर इसको रिपीट कंटिन्यू करते हुए ये वाला इनका पैटर्न तैयार हो गया ओके okay, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वन अपॉइन्ट थ्री टर्न क्या होता है वन अपॉइंट फोर टर्न जैसे हमने अभी इससे पहले वाले लेसन में, लेसन फाइव में किया था ना वही चीज़ यहाँ पर हमको दोहरानी है और इसको बार बार रिपीट करते हुए हम ये पैटर्न बना सकते हैं ईजीली अंडरस्टूड ये प्रैक्टिस टाइम आपका आज होमवर्क है आप इसको खुद से करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगी सो डू इट इन योर मैथ्स कॉपी स्टूडेंट्स